नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन पेट्रोलियम के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको निर्वाध रूप से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन पेट्रोलियम क्रूड रॉक ऑयल के सिम्टम। इस औषधि की महत्वपूर्ण क्रिया त्वचा पर होती है, जिसके कारण अकौता, त्वचा का फटना और फुंसियाँ उत्पन्न होती हैं। ग्रंथियों का क्षेत्र और पाचन प्रणाली पर भी इसकी क्रिया का प्रभाव होता है। कई प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से एक्जिमा और छोटी छोटी फुंसियों के झुंड में, यानी एक्जिमा एंड हर्पीस, जो कि शरीर के किसी भी स्थान में क्यों ना हो, ये सभी प्रकार के ऐसे चर्म रोगों को ठीक कर देता है। फुंसियाँ ज़्यादातर कान के अंदर और कान के चारों ओर, गद्दी और हाथों पर होती है, तो इन फुंसियों को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। यदि किसी रोगी को नींद के समय में तथा बेहोशी के समय में ऐसा लगता है कि मेरी एक टांग दो टांग हो गई हो, मेरे बिछौने पर कोई दूसरा आदमी लेटा हुआ है, मेरे बेड पर कोई दूसरा आदमी लेटा हुआ है, ऐसा लगता है कि मेरे पास दो बच्चे लेटे हुए हैं, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित स्त्री को ऐसा लगता है कि वह दो बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, इस प्रकार के लक्षण उसे परेशान करते रहते हैं। इस प्रकार के लक्षण अधिकतर प्रसूत ज्वर, परपेरल फीवर, टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड फीवर तथा दस्त की बीमारी और अनेक प्रकार के रोगों में होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। अधिक दवा के सेवन करने के कारण उत्पन्न रोग तथा क्विनाइन के प्रयोग से उत्पन्न बुखार को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। सल्फर, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम तथा कास्टिकम औषधियों की तरह पेट्रोलियम औषधि भी एक एंटीसेरिस औषधि है। शीशे के जहर को खत्म करने के लिए पेट्रोलियम औषधि एक लाभदायक औषधि है। शीशे के जहर को खत्म करने के लिए पेट्रोलियम औषधि काफ़ी लाभदायक होता है। ठंड के मौसम में चर्म रोगों के लक्षणों में वृद्धि गर्मी के मौसम में अच्छा रहता है। चर्म रोग के लुप्त हो जाने के बाद दस्त की समस्या होने पर पेट्रोलियम औषधि का उपयोग करने से लाभ मिलता है। विभिन्न लक्षणों में पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग, जैसे मन से संबंधित लक्षण, कई प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित रोगी की रोग के लक्षणों में मानसिक कारणों से वृद्धि होती है। रोगी गलियों में अपना रास्ता भूल जाता है। कभी कभी रोगी सोचता है कि कोई दो है, कभी कभी रोगी को ऐसा लगता है कि वह दो है या उसके बगल में कोई दूसरा लेटा हुआ है, उसे लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जिसके कारण वह कोई भी कार्य जल्दी जल्दी करने लगता है और अपने कार्य को जल्दी जल्दी निपटाना चाहता है। रोगी अपने कार्य को जल्दी से निपटाना चाहता है। रोगी चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है। रोगी काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है और वह सहज ही चिढ़ जाता है और हर विषय में असंतुष्ट रहता है। उत्साहहीनता के साथ ही उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी को सिर में दर्द होता रहता है और ऐसा महसूस होता है कि ठंडी हवा बह रही हो। सिर में सुन्नपन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि सिर कठोर बन जाता है। सिर के पीछे भारीपन महसूस होती है। रोगी को ऐसा लगता है कि नशा हो गया है। अक्सर सिर के पीछे के भाग में दर्द होता है। दर्द जल्दी ठीक नहीं होता और यह दर्द सिर के ऊपर से माथा और आंखों तक फैल जाता है। दर्द की तेजी के कारण थोड़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। शरीर काला पड़ जाता है और बेहोशी आ जाती है। सिर शीशे की तरह भारी महसूस होती है। सिर पर घाव हो जाता है। सिर के पीछे कानों पर अधिक, सिर को छूने पर अधिक दर्द महसूस होता है और उसके बाद सिर शून्य पड़ जाता है। सिर में दर्द होता है। सिर दर्द में कुछ आराम पाने के लिए रोगी अपने कनपट्टियों को दबाता है। खांसते समय झटका लगने से रोग लक्षणों में वृद्धि होती है।
इस प्रकार के सिर के लग्न से संबंधित लक्षणों में रोगी को पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना काफी लाभदायक रहता है, जिससे रोग ठीक होता है। आंखों से संबंधित लक्षण, आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, बारीक अक्षरों के बिना ऐनक नहीं पढ़ सकता, आंखों से आंसू बहने लगता है, पलकों के किनारे पर जलन होती है तथा आंखों के कोनों में दरार पड़ जाती है, आंखें कोनों में दरारें पड़ जाती है, आंखों के चारों ओर की त्वचा सूखी और पापड़ीदार हो जाती है। बलौनी का झड़ना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। कान से संबंधित लक्षण, कानों में कई प्रकार के आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि शोर मच रहा है, विशेषकर जहाँ लोग बातें कर रहे हों उस जगह पर। कान के अंदर और पीछे अकौता, परतदार घाव तथा इसके साथ ही तेज खुजली होना, घाव को छूने पर दर्द होता है, कान के आसपास की त्वचा पर दरारें पड़ जाती हैं। ठंड के मौसम में कान में कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कानों के अंदर आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, कान से पिप जैसा सुराव होने लगता है और कम सुनाई पड़ती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक के नथुने पर घाव हो जाता है तथा नथुना फट जाता है, नाक के अंदर जलन होती है और खुजली भी होती है, नाक से खून बहना, नाक से पानी गिरने के साथ ही पपड़ियाँ और कफ के समान स्राव होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। चेहरे से संबंधित लक्षण, चेहरा सूख जाता है और सिकुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। अमाशय से संबंधित लक्षण, हृदय में जलन होने के साथ ही गर्माहट महसूस होती है और खट्टी खट्टी डकारें आती रहती हैं और पेट फूलने लगता है, रोगी का पेट फूलने लगता है, पेट के अंदर खालीपन महसूस होता है, वसायुक्त पदार्थ और मांस खाने का मन नहीं करता है और बंद गोभी खाने से परेशानी होती है, मलत्याग करते ही तुरंत भूख लग जाती है, मलत्याग करने के बाद भूख लगती है, जी मिचलाने के साथ ही मुंह में पानी भर जाता है, पाचन तंत्र में दर्द होता है और जब अमाशय खाली होता है तो लगातार खाते रहने पर आराम मिलता है, भूख तेज लगती है, रात के समय में उठकर कुछ न कुछ खाना पड़ता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में हो गया हो, उसके रोग को ठीक करने उसके साथी रोगी को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अगर इन सब के साथ रोगी को लहसुन की बदबू आती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है, अगर इसके साथ ही रोगी को लहसुन की बदबू आती है तो इन लक्षणों के आधार पर रोगी को पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। पेट से संबंधित लक्षण, रोगी को दिन के समय में दस्त हो जाता है और मल पानी की तरह और तेज गति से निकलता है और उसके साथ ही मलद्वार पर खुजली भी होती है, बंद गोभी खाने के बाद दस्त की अवस्था और भी गंभीर हो जाती है तथा उसके साथ ही आमाशय में खालीपन महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेट खाली रहने पर दर्द होता है, लगातार कुछ न कुछ खाने से आराम मिलता है, गर्भावस्था के समय में पेट में दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना उचित होता है। पुरुष रोग से संबंधित लक्षण, रोगी की नाभि के नीचे और जननेंद्रियों के ऊपर के भाग में दांत जैसा घाव हो जाता है, पुरस्थ ग्रंथि में जलन होती है और सूजी भी रहती है, मूत्रमार्ग में खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। स्त्री रोग से संबंधित लक्षण, मासिक स्राव आने से पहले सिर में कंपन होती है तथा जननेंद्रियों पर खुजली होती है, प्रजनन स्राव अधिक मात्रा में होता है और स्राव में अन्न जैसा पदार्थ भी आता रहता है, जननेंद्रियों पर घाव हो जाता है तथा इन भागों पर गीलापन महसूस होता है,
चूचक पर खुजली होती है, उस पर आटे जैसा लेप लगा हुआ महसूस होता है। प्रतिदिन दिन के समय में प्रदरसाव आता है, रात को शंभोग करने के सपने आते हैं और योनि में खुजली होती है और पसीना होता है और पसीना भी आता है। इस लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री को हो गया हो, उसके रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेटूनिया पौधे का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। श्वास स्थान से संबंधित लक्षण, गले में खराश महसूस होती है, रात के समय में सूखी खांसी और घुटन महसूस होती है, खांसी इतनी तेज होती है कि उसके कारण सिर में दर्द भी होने लगता है, छाती में घुटन महसूस होती है तथा ठंडी हवा अधिक महसूस होती है। रात के समय में सूखी खांसी होती है और खांसी छाती की गहराई से उठती है। स्वरयंत्र में खराश उत्पन्न होता है और इसके साथ ही डिप्थीरिया भी हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो, उसके रोग लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना श्रेयस्कर रहता है। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय पर ठंडक महसूस होती है और उसके साथ ही बेहोशी होने लगती है और हृदय की धड़कन भी अनियमित हो जाती है। हृदय में अधिक उत्तेजना होती है। इस प्रकार के लक्षणों में से इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेटोडियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पीठ से संबंधित लक्षण, गर्दन के पिछले जोर पर दर्द होता है तथा पीठ अकड़ जाती है और उसमें दर्द होता है। कमर के आसपास कमजोरी महसूस होने के साथ ही दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षण, शरीर के किसी भी अंग में पुरानी बोझ का रोग, कांख से अधिक मात्रा में बदबूदार पसीना आना, घुटनों में अकड़न होना तो घुटनों पर जलन जैसा दर्द होना, उंगलियों की नोक खुरदुरी फटी हुई तथा ठंडी महसूस होती है और उस पर दरारें पड़ जाती हैं, शरीर के किसी भी हड्डियों के जोड़ों का कड़कड़ाहट होना। इस प्रकार के शरीर के बाहरी अंगों से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो, तो उसे पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना उचित रहता है। चर्म रोग से संबंधित लक्षण, रात के समय में शरीर के कई अंगों में खुजली होना, शरीर के कई अंगों में ठंड के कारण उत्पन्न घाव और उसमें जलन होना, ठंड के मौसम में उंगलियों का चटकना और उन पर विवाही रोग होना तथा उसमें दर्द भी होना, चोट लगने के कारण उत्पन्न जख्म के बाद में पककर पीव हो जाना, पीव से भर जाना, बिस्तर पर सोने के कारण उत्पन्न पीठ का घाव, शरीर की त्वचा सूखी होना और सिकुड़ी हुई रहना, त्वचा खुरदरी और फटी हुई होना, कई प्रकार के घाव होना, शरीर के त्वचा पर हल्की सी खरोच लगने से वह स्थान पककर घाव हो जाता हो, त्वचा पर पपड़ीदार घाव होना और हाथों पर फुंसियाँ होना, त्वचा पर मोटी हरी रंग की पपड़ियाँ होना और उसमें जलन होना और खुजली भी होना, त्वचा लाल फटी हुई लगना और घाव में से खून का स्राव होना, अकौता रोग होना, हाथ पैरों पर लाल नमकीन स्राव भरा तथा जलनित घाव हो जाना, त्वचा पर दरारयुक्त घाव होना और ठंड के समय में इस लक्षणों में वृद्धि होना, त्वचा पर छाजन अर्थात एक्जिमा रोग होने से पहले छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, फिर फूटकर एक हो जाती है और उसके ऊपर मोटी सी पपड़ी जम जाती है और उसमें से मवाद आता रहता है। पुराने सुजाक रोग से पीड़ित रोगी के मूत्र नली में इस कदर खुजली होती है कि रोगी को रात भर सो नहीं पाता। मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच के स्थान अर्थात सीवन में और पोते में झुंड फुंसियाँ हो जाती है, जिनमें से अधिक तेज खुजली होती है। खुजली काफ़ी तेज होती है और साथ में जलन भी होती है। इन फुंसियों के फूटने से अधिक पानी जैसा दूषित तरल पदार्थ निकलता है। दोनों हाथ और पैरों में, जांघ में, खोपड़ी पर, दोनों कानों के पीछे मलद्वार तथा अंडकोश में एक्जिमा हो जाता है। रोगी के हाथ एक्जिमा के विकार में फट जाते हैं और उससे खून बहता है।
रोगी के हाथ एक्जिमा के विकार से फट जाता है, उसमें से खून भी बहते रहता है और ठंड के समय इन रोगों में वृद्धि हो जाती है। रोगी की इस प्रकार की चर्म रोग का अक्सर एक स्थान से निकलता हुआ लाल खुश्क खुरसुरी खुरखुरी और चिटकी रहती है और विशेष करके उंगलियों के आगे के भाग पर। इस प्रकार के चर्म रोग से संबंधित लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो उसके लिए उस रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेटोडियम पौधे का प्रयोग करना चाहिए। मल से संबंधित लक्षण, दस्त रोग से पीड़ित रोगी के पेट में दर्द होता है। बंद गोभी और बंद गोभी खट्टी कमर खाने से गर्भावस्था तथा गर्भावस्था या तूफानी मौसम में दस्त हो जाता है। पुराना अतिसार यानी दस्त तथा केवल दिन के समय में दस्त आना, रात के समय में आराम मिलता है। मल पीला पतला और तेज गति से निकलता है। आंतों में दर्द के साथ ही दस्त आता है और तथा गुदा और गुदा नली में डंक लगने जैसी पीड़ा होती है। उघरी हुई बवासीर तथा गुदा में घाव की परतें बनती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। मूत्र से संबंधित लक्षण, पेशाब करने की अधिक इच्छा होती है और उसके साथ ही मूत्र नली में खुजली भी होती है। पुराना सुजाक रोग होने के साथ ही मूत्र मार्ग पर खुजली होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर से संबंधित लक्षण, ठंड से शरीर में कपकपी होकर बुखार आना और उसके साथ बाद पसीना आना, सिर और चेहरे पर गर्मी महसूस होना और रात के समय में इस प्रकार के लक्षणों में वृद्धि होना, तथा पैरों और आँखों से पसीना आता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना उचित रहता है। शीत से संबंधित लक्षण, शाम के 6 बजे ठंड महसूस होती है और नाखून नीले पड़ जाते हैं। खुली हवा में ठंड अधिक महसूस होती है और सारे शरीर में खुजली होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का सेवन करना फायदेमंद रहता है। उत्ताप गर्मी से संबंधित लक्षण, सिर गर्म, चेहरा सुर्ख, बुखार की झलक सारे शरीर में महसूस होता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का उपयोग करना लाभदायक होता है। पर पसीना से संबंधित लक्षण, भिन्न भिन्न समय पर शरीर के कई भागों में पसीना आता है और पसीना अधिकतर ठंड के बाद आता है और गर्मी महसूस नहीं होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए पेट्रोलियम औषधि का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। वृद्धि एग्रीवेशन, आंधी तूफान आने के समय में या उसके पहले बंद गोभी या कमरख खाने से, गर्भावस्था के समय में रोगग्रस्त भाग को छूने से, नमी से, यात्रा करने से, निष्क्रिय गति करने से, ठंड के समय में भोजन करने से और मानसिक दशाओं से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। शमन, सिर को ऊंचा उठाकर लेटने से, गर्म हवा से तथा शुष्क प्रदेश में घूमने से रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। शमन रिलेशन, कार्बो सल्फ फास्फो तथा ग्रेफाइटिस औषधि कुछ गुणों की तुलना आप पेट्रोलियम औषधि से कर सकते हैं। पूरक सीपिया, प्रतिविष, नक्स, काकुलस औषधि का उपयोग पेट्रोलियम औषधि के हानिकारक प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मात्रा डोजेस, पेट्रोलियम औषधि की तीसरी और उच्चतर शक्तियों का प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। स्थूल मात्रा कभी कभी रोग के लक्षणों को ठीक करने में अधिक लाभदायक होती है। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।